हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई बेल आइकन को दबाएं और ऑल की बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है, उसी के आधार पर आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी लोग जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, भाई ध्यान रखिए कि मॉर्निंग में 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी, तो इस लाइव क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी लोग ज्वाइन किया करें जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, ठीक है। यानी 9 अगस्त तक आपको जो है 7 बजे मॉर्निंग में ये लाइव क्लास मिलेगी कला वर्ग के सभी स्टूडेंट के लिए। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर दें। सभी को गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बहुत बढ़िया, फिर सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग क्वेश्चंस यहाँ पर देख पा रहे हैं, 138 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा, बताइए यूरेनस की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हार्सेल है, गैलीलियो है, कापरनिकस है और कैपलर है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आप लोग कमेंट सेशन में देंगे और कोई भी कंजूसी नहीं करेगा भाई, सभी लोग कॉमेंट्स टाइम से अपना रिप्लाई करें, जैसे कि सभी क्वेश्चन आप टाइम से ख़त्म कर पाएँ, ठीक है, कम समय में। चलिए, बहुत बढ़िया, तो स्पीड में फास्ट फास्ट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। यूरेनस की खोज किसने की थी, तो 138 पे आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, हार्सेल ने यूरेनस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 139 नंबर, कह रहा कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ग्रह है जो कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो बृहस्पति है, प्लूटो है, यूरेनस है, वीनस है, निम्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 139 पे आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी लोग कमेंट सेशन में बताएंगे। देखो भैया, सबसे सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ जो है ग्रह वो आपका यूरेनस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाता है 139 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, और भी लोग जुड़ पाएँ, और जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसमें हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन और आपका प्यार मिल पाए। 140 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो बता दें आपको कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, फटाफट से अगर आपको पता है कॉमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर में, कह रहा है बताइए पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, यम है, करुण, अरुण है, वरुण है या फिर शनि। पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है अरुण। अरुण जो ग्रह है ये पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन 142 नंबर है, कह रहा बताइए ओबेरान टाइटेनिया और एरियल और अम्बेरियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के हैं, अरुण के हैं, वरुण के हैं या फिर मंगल के हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए, अगर आपको आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप समझ जाओ कि ऑप्शन नंबर बी अरुण का, ये जो 5 आपको उपग्रह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओबेरान है, टाइटेनिया है और आपका एरियल है, अम्बेरियल है और आपका मिरांडा। तो ये आपके 5 उपग्रह दिए गए हैं जो कि अरुण के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 143 नंबर, कह रहा अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से या के उपनाम से जाना जाता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर वरुण। तो 143 पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अरुण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 144 नंबर है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर कितने वर्षों में एक चक्कर लगाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 84 वर्षों में एक चक्कर लगा पाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर, 145 नंबर, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है। ये सारे जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पर टॉप क्वेश्चन है, ये समझ रहे हैं आप, टॉप क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेज हैं परीक्षा में। 145 पर राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरेनस हो जाता है, जो कि विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 146 नंबर, कह रहा कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर वरुण। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वरुण, जो कि हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है या फिर हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर 146 पर राइट आंसर आपको वरुण करना होगा, ध्यान रखेंगे कि हरे प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है, वरुण ग्रह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने,
147 है, कह रहा सौर्य परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या, पृथ्वी बिल्कुल नहीं, मंगल बिल्कुल नहीं, बुध बिल्कुल नहीं, बुध भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको करना होगा नेपट्यून। ठीक है भाई, जो लोग यहाँ पर नेपट्यून कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, 148 नंबर, कह रहा बताइए किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आंसर देंगे सभी लोग कॉमेंट सेशन में फटाफट से। दोस्तों जो लोग यहाँ पर मीथेन कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि ये कह रहा है प्रश्न में कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरा दिखाई देता है, तो ये मीथेन के कारण, मीथेन गैस के कारण ये वरुण का जो ग्रह का कलर है वो हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर जूम कर देंगे जिससे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दें। यहाँ पर देखिए 149 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, तो बुध और शुक्र, बृहस्पति और शनि, या अरुण वरुण, या फिर पृथ्वी और शुक्र। तो 149 पे राइट आंसर आपका क्या होगा, 149 पे भैया सहोदर भाई के नाम से जाने जाने वाले जो ग्रह हैं वो आपके अरुण और वरुण हैं। अगला क्वेश्चन 150 नंबर है, कह रहा है बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, या फिर पृथ्वी है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बुध जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 151 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, बुध है, मंगल है, नेपट्यून है, या फिर शनि। दोस्तों ध्यान दीजिए, सूर्य और पृथ्वी दोनों बोल रहा है तो इसलिए गलती ना हो पाए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको करना होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपट्यून। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 152 नंबर है, आपसे कह रहा है बताइए वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है किस ग्रह में वर्ष दीर्घतम होता है, शनि, बृहस्पति, नेपट्यून पर, पृथ्वी पर। तो 152 पे आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नेपट्यून पर हो जाता है, दीर्घतम वर्ष या वर्ष दीर्घतम होता है नेपट्यून पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, यूरेनस है, या फिर आपका शनि, या फिर नेपट्यून। तो आपसे कह रहा है कि सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है, बताएंगे फटाफट से, नेपट्यून ही राइट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, कह रहा बताइए कि 154 नंबर पे यम और कुबेर यानी प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा चार विकल्पों में से 154 पे, फटाफट से राइट आंसर देंगे। देखिए विलियम हार्सेल है, या जॉन गेले, या फिर जेम्स पी हवल, या फिर आपका क्लाइड। तो यहाँ पर राइट आंसर 154 में राइट आंसर क्लाइड हो जाता है, क्लाइड टॉम्बैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 155 नंबर, कह रहा बताइए निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है, तो चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि, निम्न में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 155 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 156 है, 156 में कह रहा कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, तो चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, या फिर प्लूटो। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे। देखिए 156 यानी 156 नंबर पे आपका राइट आंसर चंद्रमा हो जाता है, रात की रानी कहा जाता है किसको, चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 157 नंबर, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह से कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 59%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताएंगे क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्लेटर है, या फिर सी में जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम
चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है, या फिर डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 158 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन 159 है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। भैया यहाँ पर ध्यान दीजिए, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, अंतः अंतरिक्ष है या फिर बाह्य अंतरिक्ष या सिलुनर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो 159 पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट से सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो लोग कर रहे हैं सिलुनर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 में, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, बुध शुक्र चंद्रमा नेपच्यून, सूर्य का ग्रह कौन सा निम्न में से नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत दिमाग से आप आंसर देंगे तभी आप अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे। 161 पर राइट आंसर क्या हो, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आपके जो है ना गलत हो जाते हैं। चलो, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ईमानदारी से, जिस प्रकार से हम आपके लिए 100% दे रहे हैं तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप अभी अपना 100% दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बहुत बढ़िया, देखेंगे यहाँ पर 162 नंबर में, शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, चंद्रमा वरुण बृहस्पति शनि, तो निम्न में से राइट आंसर आपका चंद्रमा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, पृथ्वी में है, सूर्य में है, जुपिटर में है या फिर आपका चंद्रमा में, निम्न में से राइट आंसर क्या होगा। 163 पे फटाफट से बताएंगे स्पीड में, देखो भैया सी ऑफ ट्रंक्विलिटी आपका चंद्रमा में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं समाप्त, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद सभी को। और इसके बाद जो सेशन होने वाले हैं, जैसे आपका 11 बजे से सेशन करवाया जाता है, इसमें आपको मॉडल पेपर 12 बजे से भी मॉडल पेपर आपको मिलते हैं, तो ये सभी जो हैं आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। 150 क्वेश्चन में अगर आप 2 का गुणा करोगे, यानी 150 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया 150 क्वेश्चन, और नंबर की बात करें तो 300 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट कराते हैं, बाकी ये आपके सब्जेक्ट के आधार पर हो गया। तो मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद। जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।